हेलो एंड वेलकम गाइस। तो कैसे हो यार आप सब। तो भाई आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि पबजी मोबाइल में एक नया प्रॉब्लम आ रहा है, नेटवर्क एरर, और ये सभी को आ रहा है और वो कुछ सेटिंग में जा करके आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कह रहा है। सबसे पहले आप ये जान लो यार कि ये प्रॉब्लम आ क्यों रहा है। देखो पबजी मोबाइल इंडिया में बैन है, तो सर्वर आप जो खेलते हो ना वो सर्वर इंडिया सर्वर पर वर्क नहीं करता है, ठीक है ना। तो जो लोग एक बार लॉग आउट हो चुके हैं ना अपना फेसबुक अकाउंट या ट्विटर अकाउंट से पबजी मोबाइल में, तो उन्हीं को ये दिक्कत आ रहा है। आप कुछ भी कर लो आप फिर से लॉगिन नहीं कर पाओगे। इसका लॉगिन करने का सिर्फ एक ही ट्रिक है जो मैं आपको बता रहा हूँ। वीडियो हज़ारों है और सभी बंदे यही गारंटी देते हैं ब्रो कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, बट होता नहीं है। और मैं भी वही कह रहा हूँ, मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपका होगा, लेकिन होगा ये रियलिटी है। क्योंकि यार मैं वीडियो लेट सही पर जो जेन्युइन है वही आपको बताता हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देख लेना बिना स्किप किए। और हाँ, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है ना, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल जरूर कर देना ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। अब वीडियो लास्ट तक देखना बिना स्किप किए। अगर स्किप करके भाग जाओगे गाइस तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि मैं जैसे ही बहुत लोग क्या करते हैं कि आपको VPN के बारे में बताया और आप सोचते हैं कि आप VPN हम खुद कनेक्ट कर लेंगे, खुद हो जाएगा, वीडियो छोड़ दो। तो यहाँ पे होता ये है कि आपका वर्क नहीं करेगा, एकदम वर्क नहीं करेगा, क्योंकि एक ट्रिक है, जब तक आप उसे फॉलो नहीं करोगे तब तक होगा नहीं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, फिर से कह रहा हूँ। तो चलो वीडियो को शुरू कर लेते हैं, मैं आपको लेके चलता हूँ मोबाइल स्क्रीन पे। तो गाइस सबसे पहले आपको जाना है यार प्ले स्टोर पे। प्ले स्टोर पे जाकर के आप ये कोरिया VPN डाउनलोड कर लेना। अगर आपको मिल जाता है तो बहुत ही अच्छी है, इसका लोगो आप देख लो, नहीं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जा करके इसे डाउनलोड कर सकते हो। अब आपको करना क्या है, VPN को पहले ओपन नहीं करना है, पहले आपको अपना गेम को ओपन करना है। जैसे ही आप यहाँ पे गेम को ओपन करोगे तो आप यहाँ पे आओगे जहाँ आपका लॉगिन होता है, क्योंकि आप यहाँ डायरेक्ट तो लॉगिन हो पा नहीं रहे हो। तो यहाँ पे आपको ट्विटर और फेसबुक दिखेगा, अगर आप ट्विटर से करते हो तो शायद हो जाएगा इस, क्योंकि देखो लॉगिन करने का जो प्रोसेस है वो तो सेम ही है ना, वो तो सर्वर उसको चाहिए, चाहे आप उसे गेस्ट में जाओ या फिर आप ट्विटर से लॉगिन करो या फिर फेसबुक से, तो उसे सर्वर चाहिए। तो मैं यहाँ पे फेसबुक से कर रहा हूँ और जितने लोग ज़्यादातर हैं वो फेसबुक से ही करते हैं, तो जितने भी फेसबुक वाले बंदे हैं उनका भी प्रॉब्लम सॉल्व होगा। ट्विटर वाला भी ट्राई करो, ज़रूर होगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम सर्वर का है। तो अब आप जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे और अपना पासवर्ड और अपना जो भी आपका ईमेल आईडी और पासवर्ड होगा आप जैसे ही दोगे तो यहाँ पे आपको ये कुछ स्टेप से लिख करके आ जाएगा, नेटवर्क एरर। आप देख सकते हो यहाँ स्क्रीन पे भी आ रहा है, तो आपको भी कुछ इसी टाइप से शो होगा। या फिर आपको यहाँ पे 4 मिनट का टाइम देगा कि 4 मिनट के बाद आप लॉगिन हो सकते हो, 2 मिनट के बाद लॉगिन हो सकते हो। और उसके अलावा एक और नोटिफिकेशन आपको आता है, वो कुछ इस टाइप का रहता है जो कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख सक रहे हैं। तो ये जितना भी प्रॉब्लम है ना गाइस, इन सभी का यार एक ही सोल्यूशन है जो कि इस वीडियो में है, लास्ट तक देखना बिना स्किप किए। और हाँ, ये मत करना कि VPN के बारे में पता चला और हम खुद से कर लेंगे, वीडियो छोड़ के चले गए, तो कतई नहीं होगा, फिर से आप लौट के यहीं आओगे। 5 मिनट का वीडियो है, पूरा देख लो, आपको भी समझ में आ जाएगा। तो बस यही रिक्वेस्ट है गाइस कि वीडियो पूरा देखना। तो गाइस अब आपको यहाँ से गेम को मिनिमाइज़ कर देना है। अब मिनिमाइज़ कहाँ पे करना है वो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि यहीं से जो वो टिप्स और ट्रिक है ना वो यहीं से स्टार्ट होने वाला है। क्योंकि आप VPN से कनेक्ट करके डायरेक्ट करोगे तो कभी नहीं होगा, आपका पासवर्ड ही रॉन्ग बताएगा ये। अगर आप पहले ही VPN को कनेक्ट कर लेते हो और बाद में यहाँ आकर के लॉगिन करते हो तो आपका VPN जो है वो एक अलग सर्वर से कनेक्ट होगा, इस वजह से यहाँ आपका पासवर्ड रॉन्ग बताएगा, जबकि आप राइट पासवर्ड डालोगे उसके बाद भी। तो यहीं पर जो मेन ट्रिक है यहीं पर काम करता है। तो अब आपको देखो अपना पबजी मोबाइल को ओपन कर लेना है और उसके बाद आपको यहाँ पे आपका जो भी ईमेल आईडी और पासवर्ड होगा वो आप यहाँ पे दे दो। और वो देने के बाद गाइस आपको यहाँ लॉगिन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करते हो देखो आप यहाँ पे आ जाते हो, यहाँ पे कंटिन्यू करने के लिए कहता है कि अब आपका जो अकाउंट है वो फेसबुक से कनेक्ट हो चुका है, बस आपको यहाँ पे कंटिन्यू करना है ताकि आप लॉगिन हो सको। और यहाँ पे आप कंटिन्यू पे क्लिक करते हो तो आपको वो एरर आ जाता है नेटवर्क का, तो आपको यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक नहीं करना है। अब आपको करना क्या है, यहाँ से आप अपने गेम को कर दो मिनिमाइज़, ठीक है, कट मत करना, मिनिमाइज़ करो। मिनिमाइज़ करके और उसके बाद आपको ओपन करना है अपना VPN। और कोरिया VPN को ओपन करने के बाद गाइस यहाँ पे दिख रहा है कनेक्ट कोरिया, तो आप कोरिया से कनेक्ट होना, देखो कोई गलत जगह कनेक्ट मत होना वरना शायद काम ना करे। कोरिया सर्वर इस अभी वर्क कर रहा है पबजी में, तो हमें भी कोरिया से ही कनेक्ट होना है। तो आप जैसे ही कोरिया से कनेक्ट हो जाओगे तो आपको टावर के ऊपर में यहाँ पे दिख रहा होगा VPN, इस टाइप से लिख के कुछ आ जाएगा। तो अब आपको क्या करना है कि यहाँ से मिनिमाइज़ कर लेना है, आपको VPN को कट नहीं करना है। अगर आप कट कर दोगे तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा,
तो यहाँ पे आप मिनिमाइज़ करो, मिनिमाइज़ करके आप जैसे ही फिर से अपना पबजी मोबाइल तो आपको ऑलरेडी चालू है और आपने लॉगिन भी कर रखा है, बस कंटिन्यू करना है और VPN आपका कनेक्ट हो चुका है। तो अब आप पबजी मोबाइल में जाओ और मुश्किल से 5 सेकेंड रुकना, क्योंकि उसे VPN से जो सर्वर है ना वो उसे थोड़ा लेने देना। 5 सेकेंड वेट करने के बाद गाइस आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे कुछ आपके सामने इस टाइप से होगा और आपका गेम जो है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा लेट होगा, गेम ओपन होने में आपको 1 मिनट तक लग सकता है। मैं वीडियो को स्किप या फास्ट फॉरवर्ड नहीं कर रहा हूँ गाइस, क्योंकि अगर मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करूँगा तो लोगों को लगता है कि ये फ्रॉड है, बीच में कुछ गड़बड़ किया है बंदे ने। तो मैं यहाँ पे 1 मिनट का टाइम लगाया वो पूरा मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मेरा गेम ओपन हो रहा है, और मैं लास्ट में ये भी प्रूफ करूँगा कि मैं VPN को हटा दूँगा उसके बाद भी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अब देख लो मेरा गेम तो हो चुका है स्टार्ट, और यहाँ पर अभी ऊपर में आप देख सकते हो हम सर्वर से कनेक्ट हैं। यहाँ मेरा जो नेटवर्क का सर्वर दिखता है ना, जो यहाँ पे टावर दिखता है ना, वहाँ पे अभी भी दिख रहा है कि मैं VPN से कनेक्ट हूँ। एंड गाइस अब मैं देखो यहाँ पे मिनिमाइज़ करके जो VPN था उसको हटा दे रहा हूँ, ठीक है, बैकग्राउंड में जो रन कर रहा है उसको हटा दे रहा हूँ। और अब आप यहाँ पे टावर पे देख सकते हो मेरे पास वो VPN का कोई भी लोगो नहीं दिख रहा है, मतलब अब हम इंडिया सर्वर से कनेक्ट हो चुके हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। अब देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इस पबजी मोबाइल को यहाँ से मैं हटा दे रहा हूँ और फिर से पबजी मोबाइल ओपन करते हैं तो क्या कोई प्रॉब्लम आता है या नहीं। तो देखो फिर से हम यहाँ पे पबजी मोबाइल को ओपन किए, ओपन करने के बाद देखो अब क्या होता है। तो गाइस देख सकते हो आप, मैं डायरेक्ट यहाँ आ चुका हूँ अपना गेम में, लॉगिन करने का कोई झंझट नहीं रहा क्योंकि लॉगिन हम लोग पहले ही कर चुके हैं। तो अब हम यहाँ पे गेम प्ले भी कर पा रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। तो आप लोग भी जाओ जाकर के यही मेथड को ट्राई करो और वीडियो लास्ट तक देखेंगे तो आपका प्रॉब्लम जो है ना 100% सॉल्व हो जाएगा। तो अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है ना भाई, तो देखो जो सब्सक्राइब का बटन है ना भाई, तोड़ फोड़ डालो यार, कुछ भी कर दो, बस लाइक कर दो उसको, और घंटा को तो ऐसा बजाओ कि पूरा दुनिया में शोर मच जाए, वो बजना चाहिए भाई। घंटा नहीं बजाओगे तो कुछ नहीं होगा, तो उसे ऑल पे जरूर कर देना। बस सब्सक्राइब कर देना, भाई को सपोर्ट कर देना, क्योंकि तो आपका जो भाई है आपके लिए जेन्युइन वीडियो लेकर के आता रहता है। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आप मेरा वीडियो नहीं विश्वास देखते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ, जब तक के लिए बाय। Capture the base in 10 seconds. Blue team victory. Taken a base successfully.